Hello students, this is Rakesh Mishra and I am going to describe you class 11th biology, the remaining portion of morphology. Listen carefully, chapter 5 में बहुत सारे ऐसे topics हैं जो इस साल नहीं पढ़ाए जाएंगे, जैसे morphology of root, stem and leaves. सिर्फ इस साल morphology of flower ही पढ़ाए जाएंगे और at least one family हम पढ़ाएंगे. देखो family तो तीन होती थी, चैप्टर 5 में फैमिली लिलिएसी, सोलनेसी, फैबेसी तीन थी, लेकिन इस साल हम कोई एक फैमिली ही पढ़ाएंगे. ठीक है, चलो. और सीबीएसई भी एक साल, मतलब इस साल जो है सिर्फ एक फैमिली पे ही फोकस. आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जहां तीनों फैमिली की बात होगी वहां पे एक फैमिली का ही ऑप्शन वहां पे दिया जाएगा. ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर आई हैव डिस्क्राइब यू द व्हाट इज मॉर्फोलॉजी एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. And in previous video lecture, I have also told you what are the basic changes made by CBSE for this lesson, for this session. Listen, in this video lecture, I will describe you the inflorescence. So, note down the inflorescence. Inflorescence. The simple meaning and definition of inflorescence is arrangement and distribution of flower on the floral axis or main stem called inflorescence. It means simple meaning of inflorescence is arrangement and distribution of flowers on plants. Listen, how do flowers arrange over the plants, at the tip or at the latter, in form of bunch or in the single, in form of 2, 3 or 4? This overall concept is known as inflorescence. मतलब क्या है कि plants में flowers किस तरह से लगे होते हैं, arrange कैसे होते हैं, ये inflorescence कहलाता है. ठीक है, single flower है, double flower है, bunch में है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, tip पे है, ये सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लोरेसेंस. सो अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट्स और फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस. आई होप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इन्फ्लोरेसेंस इज क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर एंड आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस आई विल डिस्क्राइब यू द फ्लावर, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर. बट इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू ओनली द इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज हाउ डू प्लांट्स, हाउ डू फ्लावर्स आर अरेंज्ड ओवर द प्लांट्स बॉडी. दिस इज द मैटर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. नाउ बैक टू द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, योर डिफिनेशन आई थिंक ओवर. नाउ बैक टू द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, आप पूरा हेडिंग डालेंगे, फुल हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसको ग्रुप में अगर डिवाइड करें, उसकी मेजर कैटेगरी बनाए, तो हमको सिर्फ चार कैटेगरी नजर आती है. कौन कौन? सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, सिर्फ सॉलिटरी लिख रहे हैं, आप इन्फ्लोरेसेंस भी लिख सकते हैं. साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड फोर्थ वन इज स्पेशल. स्पेशल में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम एक ग्रुप बना दिए इसका स्पेशल. सॉलिटरी, साइमोज, रेसिमोज, स्पेशल. अभी फिर से एक बार बता दे, इन्फ्लोरेसेंस एक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फ्लावर्स के अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं, कि फ्लावर्स कितने नंबर्स में है प्लांट पे, कैसे हैं, सिंगल है, ग्रुप में है, बंच में, क्या है, हम उसके इन्फ्लोरेसेंस के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस. ये कॉन्सेप्ट में आपके होने चाहिए. लिसन, सॉलिटरी थोड़ा थोड़ा हम बता दे, फिर डिटेल भी इसको बताना है. ठीक है, सॉलिटरी मीन्स क्या होता है? वेन फ्लोरल एक्सिस कंसिस्ट सिंगल सिंगल फ्लावर एट द टिप और एट द लैटरल साइड, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिटरी. जब फ्लावर्स एक सिंगल नंबर में अकेले कहीं अवेलेबल रहता है, जैसे आप सनफ्लावर में देखिए टिप पे एक अवेलेबल है. वेन द फ्लावर्स आर अवेलेबल, वेन द फ्लावर्स आर अरेंज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड at the single number, at the tip or at the lateral side, that is called solitary. I think इसका concept यही clear हो गया. ठीक है, फिर detail भी बताएंगे.
साइमोज. लिसन, व्हेन द फ्लावर्स आर मोर देन वन, सपोज दैट दिस इज द टिप एंड देयर हैज टू फ्लावर, दैट इज मोर देन वन, थ्री फ्लावर, बट काउंटेबल, जितने भी फ्लावर हो क्या है, काउंटेबल. व्हेन द फ्लावर्स, व्हेन द मोर देन वन फ्लावर, व्हेन मोर देन वन फ्लावर्स अरेंज्ड इन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ अ प्लांट और द टिपिकल पार्ट ऑफ प्लांट्स और एल्सवेयर एनीवेयर ऑफ द प्लांट्स, देयर कंडीशन ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज साइमोज. द कंडीशन इज काउंटेबल नंबर, एक दो तीन चार ऐसे होंगे, काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स आर काउंटेबल. सो बेसिक की कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन मोर देन वन फ्लावर्स बट काउंटेबल नंबर ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, देयर कंडीशन, देयर इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज साइमोज. रेसिमोज, द अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लावर्स और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन अ प्लांट्स बॉडी और एट द फ्लोरल एक्सिस, दैट देयर इज द स्पेशल कॉन्सेप्ट नोन एज रेसिमोज. ठीक है, स्पेशल भाई, स्पेशल है तो स्पेशल की तरह से इसको ट्रीट करेंगे, इसका अलग ही क्राइटेरिया होगा, चूंकि इसके टाइप्स होते हैं, इसलिए इसके टाइप्स को हम जब पढ़ाएंगे स्पेशल तो समझाएंगे, मैंने स्पेशल है तो स्पेशल. ठीक है, अब वन बाय वन करके सॉलिटरी, साइमोज, रेसिमोज और स्पेशल को हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं. ठीक है, सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस, लिसन, एज आई हैव टोल्ड यू, हाउ कैन यू डिफाइन द सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस, व्हेन द सिंगल फ्लावर अवेलेबल. ट्रिक है एस से सॉलिड और एस से सिंगल, आसानी से लर्न कर लेंगे. व्हेन सिंगल फ्लावर अवेलेबल एट द टिप और लैटरल ब्रांचेज, द कंडीशन इज नोन एज सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस. देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस, फर्स्ट इज एक्सियल सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस एंड सेकेंड इज टर्मिनल सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस. एक्सियल सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस एंड टर्मिनल सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस. अब आते हैं एक्सियल सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस, इसको कभी कभी एक्सिलरी भी बोलते हैं, पोजीशन की बात करेंगे तो एक्सिलरी, दोनों सही है. नाउ बैक टू द एक्सिलरी सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस, लिसन, जब फ्लावर्स के टर्मिनल पार्ट पे, टिप पे नहीं, टर्मिनल पार्ट पे, जब प्लांट्स के टर्मिनल पार्ट पे ऐसे एक पॉइंट से एक ही फ्लावर निकल रहा हो और वो सिंगल हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी सॉलिटरी टर्मिनल. दैट इज फ्लावर्स आर अ साइट, फ्लावर आर अ साइट. सेकेंड कंडीशन क्या है, सिंगल इन नंबर, चाहे ये हो चाहे ये हो, सिंगल इन नंबर. ठीक है, एग्जाम्पल चाइना रोज, चाइना रोज. ठीक है, आप देखेंगे गुड़हल जिसको बोलते हैं, इसके एक पॉइंट से एक ही फ्लावर निकलेगा, दूसरे उसी पॉइंट से दूसरा फ्लावर नहीं निकलेगा, कहीं और से निकलेगा, लेकिन ये निकलेगा तो एक पॉइंट से एक ही फ्लावर निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी और एक्सियल सॉलिटरी. ठीक है, एक पॉइंट से एक फ्लावर, एक साइड या एक साइड, इस साइड निकलेगा तो इस साइड नहीं निकलेगा, इस साइड निकलेगा तो इस साइड नहीं निकलेगा. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सिलरी सॉलिटरी. ठीक है, अब आते हैं टर्मिनल की मैं बात करूं, टी से टर्मिनल और टी से मैं यहां पर सेट कर दूं आपका मैटर, टिपिकल, टिप पे. सपोज दैट दिस इज अ फ्लावर एंड द फ्लावर टिपिकल पार्ट ऑफ फ्लावर इज एंड विद, टिपिकल पार्ट ऑफ प्लांट इज एंड विद द टिप्स ऑफ प्लांट एंड विथ द सिंगल फ्लावर, सिंगल फ्लावर. तो ये आपको अच्छे से जानना है. ठीक है, तो ये जब प्लांट्स का एक टिपिकल पार्ट, यानी कि प्लांट्स का जो टिपिकल पार्ट है, यानी कि ऊपर का पार्ट है, ये एक सिंगल फ्लावर से खत्म हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, टर्मिनल. ठीक, एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, वाटर लिली, वाटर लिली, लोटस, और क्या, अर्जीमोन. अर्जीमोन देखे होंगे, कांटेदार पौधा होता है. ठीक है, ऐसे कांटे वाला पौधा होता है और इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, पीले पीले फ्लावर होते हैं. ठीक है, पीले पीले फ्लावर होते हैं, स्मेल नहीं आते हैं, वो जंगल झाड़ी के फॉर्म में सड़क के किनारे या फिर कहीं खरपतवार वाली जगह पे उगते हैं, वो येलो कलर का फ्लावर होता है. तो वो टिपिकल पार्ट पे एक ही फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, लोटस और वाटर लिली तो आप लोग देखेंगे, सिंगल प्लांट सिंगल फ्लावर से एंड होता है.
तो आई होप आप एक्सिलरी और टर्मिनल सॉलिटरी टाइप के इन्फ्लुएंसेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ठीक है। ये मेडिकल के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं वो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और ये एग्जाम्पल को दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ साइमोज की मैं, ठीक है। नाउ साइमोज इन्फ्लुएंसेंस, लिसन केयरफुली। व्हेन लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लावर ग्रो आइदर अ सिंगल साइड और एट द टिप ऑफ प्लांट्स देयर कंडीशन इज नोन एज साइमोज। सो फ्लावर्स आर काउंटेबल इन नंबर, फ्लावर्स आर काउंटेबल इन नंबर, इट इज लिमिटेड, दैट इज 1, 2 or 3, बट कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी, लिसन केयरफुली, इट मे बी मोनोकैजियल, डाइकैजियल और पॉलीकैजियल साइन। सो वन बाय वन आई विल डिस्क्राइब यू व्हाट इज मोनोकैजियल, लिसन केयरफुली, मोनोकैजियल। द साइमोज मे बी मोनोकैजियल साइन, डाइकैजियल साइन और पॉलीकैजियल साइन। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। अभी मोनोकैजियल साइम को मैं बता दूं, पहला पॉइंट मोनोकैजियल साइम, नोट करते जाना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन तो लिख ही लेंगे इसके बेस पे। डिफिनीशन मोनोकैजियल क्या होगा, मोनो मीन्स होता है सिंगल। लिसन, व्हेन, लिसन क्या होता है, व्हेन मोर देन टू फ्लावर्स, मोर देन वन फ्लावर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट्स बट लिमिटेड इन नंबर देयर कंडीशन इज नोन एज मोनोकैजियल साइन। जैसे ये प्लांट है, ये उसका रूट है, ये शूट है, ये एक पॉइंट है, इसके एक पॉइंट से एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, ठीक है, जितने भी फ्लावर्स बनकर वहां से निकले हुए हैं तो उसको बोलते हैं मोनोकैजियल साइन, एक ही टिप से। यानी कि इससे दो नहीं, इससे दो निकलेगा तो डाइकैजियल हो जाएगा, इससे तीन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीकैजियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि एक टिप है, पॉइंट ये क्या है, P1 बोल देते हैं, तो P1 पॉइंट से एक फ्लावर निकला हुआ है और उस पर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए लैटरल फ्लावर्स, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट यहां पे देखिए पॉइंट एक ही है तो इसको बोलेंगे मोनोकैजियल साइन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोलेनम, सोलेनम आप देखे होंगे, इसको मकोई भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना, फैमिली सोलेनेसी में। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन सिंगल पॉइंट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट मैनी बट काउंटेबल नंबर ऑफ फ्लावर्स, व्हेन सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन, व्हेन सिंगल पॉइंट ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट मोर देन वन फ्लावर बट काउंटेबल नंबर ऑफ फ्लावर, देयर विल बी द मोनोकैजियल साइन। अब आते हैं सेकेंड वन, इसको हटा दें, फिर बाईकैजियल और पॉलीकैजियल साइन की मैं बात कर दे रहा हूं। नाउ बैक टू सेकेंड वन, द बाईकैजियल साइन और डाईकैजियल साइन, डाईकैजियल साइन, डाईकैजियल साइन क्या होता है, अच्छे से आप समझेंगे। जब सिंगल पॉइंट से दो फ्लावर अगल बगल, ठीक है, वो कितने फ्लावर और बनाते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन सिंगल पॉइंट से दो फ्लावर ही निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, इसका रूट सिस्टम है और एक पॉइंट मान लेते हैं P1, ठीक है, यहां से एक फ्लावर निकला और यहां से, ये भी मोनोकैजियल, ये डाईकैजियल साइम है। मोनो, अगर ये मोनोकैजियल होता तो प्लांट्स P1 से एक ही फ्लावर्स निकलता है यहां से, फिर इधर जो है दूसरा फ्लावर निकलता है, मतलब एक पॉइंट से दो फ्लावर निकलेगा तो ये डाईकैजियल है। एक प्लांट से, एक पॉइंट से एक ही फ्लावर निकलेगा तो ये क्या है, मोनोकैजियल है, ठीक है। अब ये डाईकैजियल है, ये भी हो सकता है, और मान लो कि ये फ्लावर, ये प्लांट है और यहां से एक फ्लावर निकला और यहां से एक फ्लावर निकला, पॉइंट एक ही है, फिर इससे जो है एक फ्लावर और इससे एक फ्लावर निकला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डाईकैजियल ही है। तो डाईकैजियल का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन अ सिंगल पॉइंट कंसिस्ट टू फ्लावर, डाईकैजियल साइन। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए कॉपी में, मिकेलिया, मिकेलिया, ठीक है, इसके अलावा बोगेनविलिया, बोगेन
विलिया, ये दोनों आप नोट कर लीजिए अच्छे से, दिख रहा होगा एम आई सी एच ई एल आई ए बी ए यू जी ए आई एन बॉगेन विलिया वी आई डबल एल आई ए, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, डाई कैजियल और मोनो कैजियल का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं पॉली कैजियल साइन, पॉली कैजियल साइन की मैं बात कर रहा हूं। लिसन, व्हेन द सिंगल पॉइंट हैज मोर देन टू फ्लावर्स और मैनी फ्लावर्स देयर विल बी पॉली कैजियल साइन, ठीक है। तो अभी आप आते हैं, ये पॉइंट्स है, यहां से एक फ्लावर निकला, दो फ्लावर निकला, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, देयर विल बी पॉली कैजियल साइन। व्हेन द सिंगल पॉइंट हैज मैनी फ्लावर्स देयर विल बी पॉली कैजियल साइन। एग्जाम्पल लिख लीजिए कॉपी में, बबूल, ठीक है, बबूल आप जानते होंगे, कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस इसको मदार बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपको जानना है समझना है। तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया हमारा, अब हमारा टॉपिक बच गया है रेसिमोज। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द रेसिमोज। थैंक यू।